जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में टॉप तो क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच जो देता है आपको 100% प्रतिशत सिलेक्शन की गारंटी तो देरी किस बात की आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र ₹250 में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध अधिक जानकारी के लिए आप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाए हाँ आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाए आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है मैथ्स की ठीक है और मैथ्स में बच्चों हम आज, आज आप लोगों को चाल समय और दूरी यानी कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का पहला क्लास है और इसमें हम आप लोगों को एकदम बेसिक से कराने वाले हैं एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे मतलब पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे हम क्वेश्चन की लेवल बढ़ाएंगे ताकि आप लोग एकदम अच्छे से समझ सके ठीक है चलिए सारे बच्चे जुड़ गए हैं अच्छी बात है आप लोगों की डिमांड में बच्चों मैथ्स और

प्रश्न को अच्छे से पहले समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन है पहला एक बाइक तीन घंटे में एक किलोमीटर की दूरी तय करती है यह पांच घंटे में कितनी दूरी तय करेगी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दे तो आप लोग सारे स्टूडेंट एक साथ आंसर दे हम देखें क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का एक साथ कमेंट करिए देखिए एक बाइक तीन घंटे में एक किलोमीटर की दूरी तय करती है यह पांच घंटे में कितनी दूरी तय करेगी क्या बोला है तीन घंटे में देखिएगा तीन घंटे में तीन घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है एक किलोमीटर तो अगर हम बात करें एक घंटे में एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी एक बटा का तीन जब भाग करेंगे तो तीन पच्चे पंद्रह और यहां एक बारह तीन चौकों बारह यानी चौवन किलोमीटर या आप क्या कर सकते हैं बाइक की चाल तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा का समय ये भी कर सकते हैं तो इतना नहीं समझना है एक घंटे में चौवन तो पांच घंटे में कितना करेगी बताइए तो पांच घंटे में क्या होगा एक घंटे में चौवन तो पांच घंटे में तो पांच घंटे में क्या होगा पांच गुने चौवन ठीक है पांच गुने चौवन का मतलब क्या होगा पांच पचे पच्चीस दो सौ पचास और पांच को बीस दो सौ सत्तर दो सौ सत्तर किलोमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम आसान क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है एकदम आसान और इसका आंसर सारे बच्चे दे रहे हैं सही वेरी गुड बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे दो सौ देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं देखिएगा फॉर्मूला कुछ याद रखिएगा बच्चों चाल बराबर चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा का समय चाल बराबर दूरी बटा का समय यह होता है अगर हम समय को इधर लेते जाए तो समय बराबर क्या होगा देखिएगा समय अगर इधर आ जाएगा तो चाल इधर आ जाएगा समय बराबर दूरी बटा का चाल ठीक है अगर हम चाल को इधर लेते जाए समय को यहीं रोके तो दूरी बराबर चाल गुने समय दूरी बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय ये सब तो आप सभी को पता ही होगा ये तो आप लोग क्लास फाइव सिक्स में ही पढ़े होंगे नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं यहाँ पे देख लीजिए ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले देखेंगे यहाँ पे समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है एक किलोमीटर ठीक है तो आप क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या है समय है और दूरी है तो चाल निकाल सकते हैं चाल बराबर क्या होता है अभी लिखे ना चाल बराबर चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटा का समय अब यहां से चाल आएगा दूरी कितना है सौ किलोमीटर समय कितना है बच्चों तीन घंटे तो इसको काटेंगे 3 पच्चे, 15 और यानी तो तो समय, तो समय पांच घंटा तो कितना दूरी तय करेगा तो दूरी बराबर क्या होगा दूरी बराबर चाल गुने समय चाल है चौवन किलोमीटर पर आवर और समय है पांच घंटा तो पांच पचे पच्चीस और चार पच्चे बीस दो सौ सत्तर किलोमीटर आप चाहे तो फॉर्मूले से कर सकते हैं या आप चाहे तो ऐसे बेसिक फॉर्मूला है इससे भी कर सकते हैं हाँ कैसे भी करेंगे दो आएगा क्लियर है आसान है बहुत आसान है सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं समझ में समझ में आया होगा जिसे बताइए तो क्लियर है समझ में आया कि नहीं एक साथ एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं फिर आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट एक बार बताएं आप सारे स्टूडेंट चलिए

ये 35 क्या है पैंतीस जो है ना ये मीटर पर सेकेंड में है और इसको बोल रहा है कि किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर में इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है देखिएगा तो यहां पे आप लोगों ये क्वेश्चन ही है ये एस एस में पूछा गया क्वेश्चन है वैसे आप लोगों को स्पीड टाइम डिस्टेंस अब हम आप लोगों को बढ़ाते हैं तो बताते भी हैं कि किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं तो आप देखिए जब कभी भी आपके सामने मीटर पर सेकंड हो मीटर पर सेकंड हो इसमें जब आप गुना करेंगे किस से अठारह बटा का पांच से तो ये बदल जाएगा किसमें किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा जब ये किलोमीटर पर आवर हो और इसमें जब गुना कर देंगे पांच बटा अठारह से तो ये बदल जाएगा किसमें मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा ठीक है ये चीज आप याद रखिएगा देखिए किलोमीटर पर सेकंड में अठारह बटा पांच से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा जब किलोमीटर प्रति घंटा हो इसमें पांच बटा अठारह से कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा बस यही चीज करना है तो ये चीज जब आप याद रखेंगे तो आंसर तुरंत देंगे ये 35 क्या है बच्चों मीटर पर सेकेंड है और इसको हमें क्या बदलना है किलोमीटर में देखिए 35 ये मीटर पर सेकेंड है ना इसको हमें किलोमीटर में बदलना है तो किससे गुना करेंगे बटा का पांच से इसमें जब हम गुना कर देंगे बटा का पांच से तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये हो जाएगा बस इसी को कटाइए तो पांच से कटाएंगे तो पांच सत्य पैंतीस अठारह सत्य एक सौ छब्बीस क्या होगा एक सौ छब्बीस किलोमीटर पर आवर ये आंसर वन ट्वेंटी सिक्स चलिए क्लियर है समझ में आ गया हाँ समझ में आ गया सबका वन ट्वेंटी सिक्स आंसर आ रहा है चलिए जब अगर समझ में आ ही गया है तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं इसका आंसर आप लोग दे तो हाँ इसे बताइएगा नब्बे किलोमीटर पर आवर है इसे आप बदलिए मीटर पर सेकंड में इसे आप बदलिए 90 किलोमीटर पर आवर है इसे आप बदलिए तो मीटर पर सेकंड में इसे जल्दी से बदलिए तो इसका आंसर आप लोग किसमें देंगे आंसर आप लोगों को देना है मीटर पर सेकंड में बताइए क्या होगा आंसर एक बार देखें आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं हाँ मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करिए ये किलोमीटर में है तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें। बताए क्या आंसर आ रहा है एक साथ आप सारे बच्चे कॉमेंट करें। ट्वेंटी फाइव आ रहा है कुछ बच्चों का सारे स्टूडेंट अब देने लगे आंसर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव क्या बात है समझ में आ गया है वेरी गुड देखिए तो 90 है 90 ये क्या है किलोमीटर है ना तो इसको हमें क्या बदलना है मीटर पर सेकंड में तो गुना किससे करेंगे किलोमीटर पांच बटा अठारह से इसमें गुना कर देंगे पांच बटा अठारह ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा तो अठारह पच्चे नब्बे पांच पच्चे पच्चीस पच्चीस मीटर पर सेकेंड क्या होगा पच्चीस मीटर पर सेकेंड बहुत अच्छे सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं यानी आप लोग समझ गए ठीक है चलिए बहुत अच्छे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसे देखिएगा आप लोग हाँ इसे देखिएगा बहत्तर मीटर ध्यान दीजिएगा यह है यहां पे समझिएगा सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा ऐसे कर लीजिए सौ सौ मीटर पर सेकंड को आप बदलिए किसमें किलोमीटर पर आवर में बदलिए तो सारे बच्चे इसे बदले 100 मीटर पर सेकेंड को यहां पे बदलिएगा 100 मीटर पर सेकेंड है इसका आंसर आप लोगों को देना है किलोमीटर पर आवर में इसे बदले कन्वर्ट करें थोड़ा देखें इसे कन्वर्ट कर पा रहे कि नहीं ये मीटर पर सेकेंड में है 100 मीटर पर सेकेंड इसको आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा इसे बदलिए कैसे बदलेंगे और इसे याद करने की जो आसान तरीका है वो देखिएगा ये मीटर पर सेकेंड है किलोमीटर मीटर किलोमीटर देखा जाए थोड़ा सा दिमाग लगाना है बात एक ही चीज हो रही है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में समझना है किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बात अगर करें तो ऐसे देखेंगे तो ये तो कन्वर्ट ही कर रहा है है नहीं सोचना आप देखेंगे मीटर बोल दे एक मीटर में बात करूं तो और किलोमीटर तो किलो किलोमीटर तो ये ये मतलब कि मतलब बराबर ही होगी लेकिन आपको दिमाग को संकेत देना है किलोमीटर की जब बात करें किलोमीटर और मीटर मीटर मतलब छोटा चीज किलोमीटर मतलब बड़ा चीज तो बड़ा वाला मतलब अठारह बटा और जब मीटर पर सेकेंड में मतलब पांच बटा अठारह छोटे वाले से करेंगे बता थारा, थारा बता याद रखने इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब अठारह से करना है कब पांच बटा अठारह से जब हमें किलोमीटर में बदलना हो तो बड़े वाला अठारह बटा पांच से जब हमें छोटा में कन्वर्ट करना हो तो पांच बटा अठारह से ठीक है यह चीज याद रखिएगा इससे क्या होगा ना आपके दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि बड़ा है अठारह बटा पांच छोटा है पांच बटा अठारह ऐसे गुना करेंगे तो ये चीज होगा तीन सौ साठ आंसर आ रहा है देखिए तो ये सौ क्या है मीटर पर सेकेंड है तो हमें बदलना क्या है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर तो अठारह बटा पांच से गुना करेंगे अठारह बटा का पांच तो पांच से बीस पच्चे सौ और अठारह गुना के छत्तीस क्या होगा तीन सौ साठ ये क्या होगा किलोमीटर पर आवर तीन सौ साठ किलोमीटर पर आवर होगा क्लियर है सारे बच्चों का आंसर आ रहे हैं हाँ क्लियर है हाँ देखिए पांच से कटा है बीस अठारह दुना के छत्तीस तीन सौ साठ आ रहा है जी सर जी सर जी सर समझ में आ गया है यानी अब समझ गए हैं आप लोग ये चीज कन्वर्ट कर लेंगे ना तो ये चीज याद रखिएगा ये जो चीज लिखे ना याद रखना है ठीक है समझ भी लीजिएगा चलिए नेक्स्ट देखिएगा तीसरे क्वेश्चन के तरफ चलेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है इंपॉर्टेंट अच्छे से देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है एक कार 240 मिनट में आ, दो सौ मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है कार की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें बताइए कार की चाल ज्ञात करना है तो पहले तो आप देखिए क्या करिएगा इतनी किलोमीटर है तो इसकी पहले चाल निकालेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में तो फिर उसके बाद से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो किलोमीटर प्रति यहां देखेंगे मिनट हो रहा है ठीक है अब यहां पे देखिएगा 240 मिनट है तो 240 मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या किया जाता है देखिएगा अगर मैं बोलू एक मिनट है तो आप इसे साठ से भाग करेंगे तो साठ दुना के क्या होगा एक यानी दो घंटा हो जाएगा अगर मैं बोलूं ये 60 मिनट है अगर आप इसे 60 से भाग कर देंगे तो 60 एकम 60 यानी एक घंटा यानी मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से क्या करेंगे भाग करेंगे ऐसे ही ये 240 मिनट है इसको जब 60 से भाग करेंगे तो क्या होगा 6 4 24 यानी चार घंटा हो जाएगा 240 मिनट ध्यान दीजिएगा 240 मिनट की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं फोर आवर ठीक है चार घंटा में बच्चों 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हम कार की चाल कैसे निकालेंगे चाल बराबर क्या होता है अभी आप लोगों को बताएं चाल बराबर होता है दूरी बटा का समय ठीक है तो दूरी देखिए दूरी कितनी है दूरी है वन जीरो, जीरो. समय कितना लग रहा है देखिएगा किलोमीटर है तो घंटे में यानी नहीं कि भाग कर देना मिनट से? नहीं, चार से तो चार दुना के आठ देखिएगा करेंगे जब आप इसे चार दुना के आठ और चार सत्ते अट्ठाईस यानी कि दो सौ सत्तर ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर क्या होगा दो किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी स्पीड ठीक है यह चीज क्लियर है या आप इसे ऐसे भी देखते चार घंटे में इतना तो एक घंटे में कितना जो एक घंटे में आता है वही चीज है ना प्रति घंटा का मतलब एक घंटा ठीक है यहां पे 270 किलोमीटर प्रति का जो सिंबल लगा है उसके बाद घंटा लिखा है मतलब एक घंटे में 270 वही चीज आप यहां से भी निकाल सकते थे थी, ठीक है तो दो किलोमीटर पर आवर है तो जब हम दो को देखिएगा दो है ना यहां पर आगे समझिएगा ये 270, 270 जब इसमें हम गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे? हमें क्या करना है मीटर पर सेकेंड। तो छोटा वाला फ्रैक्शन, 5 बटा 18, किससे गुना करेंगे? 5 बटा का 18 से गुना करेंगे। तो 18 से देखिएगा, 18 एकम 18 और 97 इस नब्बे होगा, 18 25 नब्बे। और 15 25 क्या हो जाएगा? 275 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आएगा सेवेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्लियर है बताइए क्लियर है समझ में आया यहां पे आप क्या करते बस ऐसे ही कर लेते देखिएगा वन जीरो एट जीरो बटा का फोर ये क्या आ गया आ जाता आपका किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है इसमें गुना किससे करेंगे इसमें गुना किससे करेंगे पांच बटा अठारह से बस कटा लीजिए अठारह छक्के सो आठ छ जीरो साठ बार में जाएगा अठारह छो आठ ये जीरो चार से पंद्रह और पंद्रह पचे पचहत्तर जब आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप तुरंत सॉल्व करने लगेंगे इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी आप तुरंत यहीं पर बोल देते पचहत्तर मीटर पर सेकेंड ठीक है एक किलोमीटर यहां पे आ जाता आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता और फिर किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या किए पांचवेटाना से गुना कर दिए तो इतना ही में आपका आ जाता है ये तो समझाने के लिए लिखे हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके बताइए सर चार कहां से आया चार यहां पे देखिएगा यहां पे 240 मिनट है तो 240 मिनट को हम घंटा में बदले हैं 240 मिनट को जब आप घंटा में बदलेंगे तो कितना घंटा होगा एक घंटा में 60 मिनट छ चौको चौबीस दो को 60 से भाग कर दीजिए तो चार घंटा आ जाएगा ठीक है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्लियर है हाँ यही चीज तो यहां समझा रहे थे देखिए जब पढ़ा रहे हैं और जब से आप लोगों को सिखा रहे हैं उससे में दिमाग इधर उधर भटकाएंगे तो आप भूल जाएंगे देखिए वही चीज बता रहे समझा रहे थे 120 120 मिनट मिनट को में कितना घंटा 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 कैसे पता 60 60 से भाग किए मिनट में कितना, गंटा? गंटा, है? मिनट में कितना होता है एक घंटा कैसे पता 60 को 60 से भाग किए तो 240 मिनट में कितना घंटा साठ से इसे भी भाग करेंगे छे चौ को चौबीस चार घंटा यही चार घंटा लिखे हैं क्लियर है समझ में आ गया जी सर जी सर जी सर बुक देने का विचार नहीं है क्या सर जी यूपीपी का यूपी पुलिस का बुक और एसएससी जीडी का बुक बहुत जल्द आपको मिलेगा ठीक है विचार है विचार नहीं रहता तो उस पर इतनी टीम लगा के क्यों काम कराते आप लोगों के लिए काम चल रही है ना चले आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन नंबर फोर काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है एक कार द्वारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तीन घंटे पंद्रह मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए तय की गई क्या दूरी ज्ञात करना है फॉर्मूला लगा लीजिए या आप इसे निकाल भी सकते हैं चाल क्या है इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है चाल क्या है अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में अड़तालीस किलोमीटर तो तीन घंटे पंद्रह मिनट में कितना ठीक है तीन घंटे पंद्रह मिनट में कितना अब यहां पे मिनट वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक घंटा मतलब साठ मिनट में अड़तालीस तो तीस मिनट में चौबीस पंद्रह मिनट में बारह यानी तीन घंटा निकाल लीजिए और बारह किलोमीटर ऐड कर लीजिए ऐसे भी सोच सकते हैं सोचना ही तो है और क्या करना है या आप इसे तीन घंटे पंद्रह मिनट का मतलब देखिएगा एक घंटा बराबर क्या होता है एक घंटा बराबर साठ मिनट तो पंद्रह मिनट बराबर ध्यान दीजिएगा सॉरी ऐसे नहीं 60 मिनट बराबर क्या होगा एक घंटा तो 15 मिनट बराबर क्या होगा एक बटा का 60 बने 15 ठीक है तो 15 चौको को 60 एक बटा का चार घंटा यानी कि तीन सही एक बटा चार घंटा कर लेंगे तो इसे देखिएगा 3 plus 1 by 4 तो ये होगा तीन सही एक बटा का चार तो चार ती बार है एक घंटा ऐसे भी कर लेंगे और इसमें हम लोगों से पूछ के रहे हैं दूरी, तो आप सभी को पता है चाल बराबर एक फॉर्मूला याद है तो सारा निकाल लेंगे चाल बराबर दूरी बटा का समय होता है दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय दूरी बराबर चाल गुने समय यही होगा तो अब देखिए चाल कितना है बच्चों 48 किलोमीटर पर और समय कितना है इसे घंटा में कन्वर्ट कर लिए हैं तो 13 बटा चार घंटा तो गुने कर लीजिए 13 बटा का चार तो चार से कटाएंगे चार एकम चार चार गुना के आठ बारह बार हम एक सौ चौवालीस और बारह एक सौ छप्पन या गुना करिए बारह तीन छत्तीस के छह हासिल तीन बारह एकम बारह बारह तीन पंद्रह एक सौ छप्पन किलोमीटर यह आंसर आएगा अभी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका बता रहे तो बेसिक है ये बेसिक है मतलब फॉर्मूले पे लगा रहे हैं तो कितना रहा वन फिफ्टी लेकिन आप अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप इतना देखेंगे ये 48 किलोमीटर पर आवर का मतलब है एक घंटा में 48 ठीक है तो तीन घंटा में कितना होगा बताइए 48 एट थ्री यानी कहने का मतलब है तीन वटे चौबीस का चार हासिल कितना होगा दो तीन चौको बारह दो चौदह एक किलोमीटर तीन घंटे में बचा 15 मिनट तो 15 मिनट मतलब 15 मिनट मतलब 60 मिनट में बच्चों है 60 मिनट में अगर 48 है तो 30 मिनट में क्या होगा आधा कर लीजिए 24 होगा 15 मिनट में क्या हो जाएगा 15 मिनट में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा या आप इसे नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे करते हैं 60 मिनट बराबर 48 किलोमीटर तो 15 मिनट बराबर क्या होगा 48 बटा का 60 गुने 15 15 चौको 60 चार से कटाएंगे 12 चौको 48 12 और, इसी में प्लस बारह और जोड़िए पंद्रह मिनट वाला तो क्या हो जाएगा एक, एक ऐसे भी आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं कि है? होगा. होगा? नहीं एक साथ सारे बच्चे कंफर्म करें क्लियर करें समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो यसर कमेंट करिए फिर आगे चलेंगे नहीं समझ में आया है तो दोबारा समझाएंगे एक साथ कमेंट करके आप सारे बच्चे बताएं तो हाँ, आसान है ये जो आपका पहला क्लास है बच्चों ये आसान रहेगा दूसरा क्लास में लेवल हम और ऊपर रखेंगे और आसान कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया है इसमें हम आपकी बेसिक तो तैयार कर ही रहे हैं और साथ ही साथ बता दें ये सब एस एस एग्जाम के क्वेश्चन है ये सब पूछे गए क्वेश्चन है आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं ठीक है चीजों को सीखिए समझिए जब इन चीजों को सीखेंगे तो अभी आपका धीरे धीरे जब बेस मजबूत हो जाएगा पता है ना जब न्यू मजबूत होती है तो उस पर मजबूत से मजबूत बड़ी से बड़ी इमारत बनाई जाती है तो ऐसे ही न्यूज जितना मजबूत रहेगा जितना ही अच्छे तरीके से बेसिक्स क्लियर रहेगा बेसिक सारे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी ना आप कंफ्यूज नहीं होंगे सॉल्व कर लेंगे जब ये चीजें क्लियर होगी अगर यही चीजें क्लियर ना हो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे बदलना है अगर क्लियर नहीं रहेगा तो बड़े बड़े प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे वहां पर तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो इसलिए इन चीजों को सीखना है नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे तो सारे स्टूडेंट आंसर दे क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है श्लोक पहले 140 किलोमीटर को तीन घंटे में और अगले 180 किलोमीटर को पांच घंटे में चलना चला क्या है चलता है लिख लीजिएगा ये चलाता लिखा गया है चलता है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है बताना है उसकी औसत गति क्या है औसत चाल पूछा है औसत चाल बराबर क्या होता है बच्चों कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय ठीक है यहां बोला है औसत चाल औसत गति औसत गति बोलिए या औसत चाल बोलिए ठीक है औसत गति गति मतलब स्पीड यानी चाल कुल चली गई दूरी तो यहां पे लिख देते हैं कुल दूरी लिख देते हैं आप लोग लिखिएगा कुल चली गई दूरी बटा का कुल लिया गया समय यहां पे लिख देते हैं टोटल टाइम कुल समय लिख लीजिएगा आप लोग कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय ये क्या होता है ये होता है औसत चाल ठीक है अब देखिए कुल चली गई दूरी 140 किलोमीटर पहले चला फिर आगे 180 किलोमीटर चला यही चला है ना तो 140 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा 140 प्लस कितना है फिर आगे कितना चलता है बच्चों 180 सौ बटा का समय पहले तीन घंटा लिया है फिर बाद में कितना लिया है पांच घंटा लिया है बस 140 और 140 और 180 मिलके कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा बच्चों 320 320 बटा का आठ घंटा ठीक है तो 800 को 32 800 को 32 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर क्या पूछा है हम लोगों से औसत चाल ही तो पूछा है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न में तो कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में क्या कुछ है कुछ नहीं है बहुत ही आसान रहा कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन हाँ अब इसमें और बोल दे कि आगे इतना दूरी चला इतना चला चार पांच बार चला दे कोई दिक्कत नहीं आप चार पांच बार जोड़ेंगे नीचे चार पांच बार जोड़ेंगे बस जोड़ना है भाग करना है आंसर आ जाएगा प्रश्न में कुछ भी नहीं है अच्छा एक बच्चा बोल रहे गुलशन सर बेसिक क्लियर कराए हैं अच्छा गुलशन सर आप लोगों को बेसिक पढ़ाए अच्छी बात है ठीक है हाँ कुछ बच्चों का क्लियर नहीं है तो और हो जाएगा क्लियर चलिए समझ में आ गया समझ में आ गया है तो फटाफट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हाँ आज बच्चों की संख्या कम है क्योंकि आज क्या चल रहा है क्रिकेट चल रहा है ठीक है हाँ मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट देख रहे होंगे ठीक है हाँ इंडिया और कौन से देश का हो रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऐसा कोई सुनने में आया है ठीक है चलिए हाँ क्रिकेट आज हो रहा है ना चलिए तो क्रिकेट देखिए क्रिकेट तो पता ही है क्रिकेट चलता रहेगा ठीक है लेकिन आपका अगर उम्र निकल जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी हाँ क्रिकेट देखिए क्रिकेट देखा करिए थोड़ा बहुत देखा करिए ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट ही देखिए ठीक है अच्छा न्यूजीलैंड हो रहा है हाँ अब अब इसको यहाँ पे स्कोर भी बता दीजिए कितना हुआ क्या हुआ यही सब लगा रहेगा आज मेला है सर आज नहीं मेला है कल की परसों है ना परसों दशहरा कब है परसों होगी कल हो कल नहीं परसों ठीक है मेला घूम रहे हैं अच्छा ब, अच्छा ये भी बात है कुछ स्टूडेंट मेला घूम रहे हैं हाँ रात के समय में क्या होता है ना लोग आ, चले जाते हैं कई जगह जागरण होता है ये भी होता है ठीक है एक दो दिन चलता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है ठीक है हाँ मेला में भी जाते हैं हम भी गाँव पे रहते हैं तो आसपास रात में निकल के थोड़ा सा आठ नौ बजे तक घूम ही लेते हैं चलिए कोई नहीं नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए तो क्या बोल रहा है एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए पढ़िए और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन है एक व्यक्ति आठ घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है पांच घंटे में चालीस किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर सात घंटे में चालीस किलोमीटर चलता है चालक की औसत गति ज्ञात कीजिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हाँ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बताइए जल्दी से बताइए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं सही है है पे भी क्या बोला औसत गति मतलब कि औसत चाल क्या बोला है औसत चाल औसत चाल की ही बात कर रहे हैं औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटा कुल लिया गया समय कुल चली गई दूरी पहले तीन फिर प्लस में क्या होगा बच्चों चालीस फिर प्लस में क्या होगा चालीस ठीक है यही है ना बटा का समय कितना है पहले आठ घंटा चला फिर पांच घंटे चला फिर सात घंटे चला यहीं पे लिख रहे देखिए तो तीन सौ बीस और चालीस तीन सौ साठ चार सौ चालीस और जुड़ेगा तो चार सौ किलोमीटर समय आठ पांच तेरह सात बीस बीस घंटे तो बीस दुना के चालीस बीस किलोमीटर पर आवर क्या होगा बीस किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर सी बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो यसर कमेंट करिए फिर आगे चले नहीं समझ में आया तो बताइए दोबारा समझा देंगे हाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं अच्छा ऑप्शन नंबर सी सभी का आंसर आ रहा है तो एकदम सही है आप सारे बच्चे क्लियर है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बहुत अच्छे एकदम सही हाँ, मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए ठीक है हाँ और सारे बच्चे एस एस सी में करके ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो क्योंकि एस एस सी में करके ऐप आप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप सारे बच्चे एस एस सी में करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एक चीज़ और हम आप लोगों को आवश्यक सूचना बता दें देखिए बच्चों एस एस में आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर लाइव बैच कब से चलेगी लाइव क्लासेस कब से चलेंगी एस एस के फौजी बैच में तो देखिए जितने भी स्टूडेंट एस जीडी के फौजी बैच से जुड़े हुए हैं उनके लिए ध्यान दीजिएगा उनके लिए लाइव क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है एक नवंबर से दोस्तों ये वही फौजी बैच है जिसने दिए हजारों सिलेक्शन 2022 में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देने के बाद एक बार फिर से हम लोग एस जीडी के लिए फौजी बैच चला रहे हैं ठीक है एक नवंबर से लाइव क्लासेस होंगी और ये बैच हम आपको बता दें पुराने छात्रों के लिए एकदम फ्री है जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पुराने बैच से जुड़े हुए हैं उनके लिए पेमेंट एक भी रुपए करने की जरूरत नहीं है बाकी बच्चों के लिए क्या पेमेंट होगी क्या फी होगी हम बात करेंगे पच्चीस अक्टूबर को ठीक है अभी इधर नहीं बात करेंगे आगे ठीक है हाँ फिर आगे आप लोगों को बता दे चलिए आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन ध्यान से देखिए तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं हाँ जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर देंगे। रीता घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाती है वह कार्यालय से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटती है उसकी औसत चाल क्या है कार्यालय और स्कूल वाले ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं बताइए इसका इसका क्या होगा दूरी क्या है दूरी समान है और पूछ क्या रहा है औसत चाल तो इसका आंसर क्या होगा एक साथ कॉमेंट करे सारे बच्चे जल्दी से बताए एक साथ कमेंट करें सारे स्टूडेंट कमेंट करें और आंसर दे भोजपुरी में पढ़ाओ सर जी फटाफट कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर एक साथ कमेंट करिए सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं 50 आंसर आ रहा है कुछ भी आंसर आ जाएगा देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कार्यालय जा रहा है कार्यालय से आ रहा है स्कूल जा रहा है स्कूल से आ रहा है ठीक है मॉल गया मॉल से वापस आया ठीक है बाजार गया बाजार से वापस आया मतलब दूरी क्या है समान एक निश्चित दूरी तक गया फिर उसी दूरी से आया मतलब जाने का दूरी आने का दूरी बराबर है जब मतलब स्कूल गया दो किलोमीटर स्कूल है मान लीजिए आया तो कितना आया दो किलोमीटर ही आया जब दूरी समान हो और औसत चाल बोले ठीक है औसत चाल बोले औसत चाल तो होगा इसका फॉर्मूला टू एक्स वाई बटा का एक्स प्लस वाई यह होता है औसत चाल एक्स बराबर क्या है एक्स बराबर पहला चाल जाने का है, और वाई बराबर क्या है वाई बराबर आने का ये x बराबर 40 और y बराबर आ, 60 रखेंगे। तो आंसर आएगा दो गुने। ये दो तो पहले से फॉर्मूले में x की जगह 40 और y की जगह पे क्या हो जाएगा 60 बटा का 40 प्लस 60 क्या हो जाएगा 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। दो चार को आठ आठ छक्के 48। आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है पचास नहीं पचास वाले मार्क आएंगे पचास आंसर नहीं देना चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करें बताए क्लियर है समझ में आ गया समझ में आ गया तो आगे चलेंगे नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे फटाफट कमेंट करिए एक साथ कमेंट करिए सारे बच्चे कमेंट करके बताएं ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है सारे बच्चों का सी आंसर आ रहा है वेरी गुड बहुत अच्छे एकदम सही जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्वेश्चन नंबर एट जो है ना क्या है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राम यातायात में 20 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसने कुछ दूरी बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की ठीक है शेष दूरी कार से ठीक है शेष दूरी कार से बीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की बाइक द्वारा चली गई दूरी किलोमीटर में है सौ दो सौ 300 इसका आंसर आप लोग दे। देखिएगा कुछ दूरी क्या है बाइक से चली है कुछ दूरी कार से चला है ठीक है और पूछ रहे बाइक द्वारा तय की गई दूरी बीस घंटा चला है पांच सौ किलोमीटर चला है यह भी बोल दिया है, ठीक है बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर एक्स नहीं मानना है एक्स नहीं मानना है आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एक्स नहीं मानना है बुक ऑनलाइन हाँ बुक ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं अभी अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा ठीक है ज्यादा नहीं काम बहुत तेजी से चल रहा है आ रहा है समझ में देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है देखिए बस थोड़ा सा समझना है यहां पे देखना है क्या यहां पे तो एक चीज दिया है देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो एक्स नहीं मानना आप इसे क्या कर सकते हैं गो थ्रू ऑप्शन ठीक है क्या कर सकते हैं गो थ्रू ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं देखिए ये बोला है 20 घंटे में क्या बोला है 20 घंटे में 500 किलोमीटर ठीक है बाइक देखिएगा यहां पे एक लिखा है बाइक क्या लिखा है दोनों चीज लिख देते हैं एक लिखा है बाइक दूसरा क्या है कार बाइक की जो चाल है बाइक 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर पर आवर कार की चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर यही है अब देखिए अब यहां से अब आप ऑप्शन उठा लीजिए ऑप्शन हाँ, से उठा लीजिए ऑप्शन से क्या ऑप्शन उठा रहे हैं 200 अच्छा 300 सारे ऑप्शन आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग है देखिए ऐसे नहीं होगा देखिए यहां पे देखे, बोल रहा है बाइक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बाइक की क्या है 30 है अगर 100 चलेगा तो पॉइंट में आ जाएगा ये चलेगा तो भी पॉइंट में आएगा ये भी चलेगा पॉइंट में आएगा अगर इसे अभी पहले पॉइंट की बात नहीं करते अगर इसे चलाए तीन सौ तीन सौ किलोमीटर अगर चले तो 300 ध्यान दीजिएगा 300 बटा का 30 किलोमीटर पर आवर है तो भाग करेंगे तो कितना घंटा होगा बताइएगा तीस दहां दीजिएगा तीन तो सौ अब बचा कितना ध्यान दीजिएगा 300 अब बच गया है कितना 200 किलोमीटर बचेगा कार के लिए तो 200 बटा का 20 हो जाएगा 20 दहा में 200 सो दस घंटा दस घंटा दस घंटा मिलके ये 20 घंटा हो जाएगा और 300 सौ दो सौ मिलकर पांच किलोमीटर पांच किलोमीटर है बीस घंटा है आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर डी बस कुछ नहीं करना है तीन सौ होगा पूछा क्या है हम लोगों से बाइक द्वारा तय की गई दूरी तो बाइक द्वारा तीन सौ किलोमीटर ठीक है ऑप्शन नंबर डी सही हो गया बस इतना ही सोचना है इसमें एक्स नहीं मानना है पांच सौ पांच सौ माइनस एक्स ऐसा कुछ नहीं सोचना है बस डायरेक्ट आंसर देना है हा डायरेक्ट ऐसे में इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना है हाँ तीस की चाल से चल रहा है दस घंटा चलेगा तीन सौ फिर उसके बाद से बीस की चाल से चल रहा है दस घंटा चला तो 200 300 200 मिलके 500 किलोमीटर 10 घंटा 10 घंटा मिलके 20 घंटा क्लियर है पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया समझ में आ गया आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्लियर है सभी को समझ में आ गया अब सभी का आंसर 300 आ रहा है इससे पहले कुछ और ही था चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे आप लोग नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए इसका आंसर दीजिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन काफी इंपॉर्टेंट है और इजी है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया यदि इस यात्रा में दो घंटे का समय लगा हो तो उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए उस स्थान की दूरी क्या है और जो दूरी गया है वो कितना किलोमीटर है या उस दूरी से आया है तो कितना मतलब दूरी गया है आया है बराबर ही दूरी होगी ठीक है तो बताइए कितना किलोमीटर एक साथ आंसर दे सारे बच्चे एक ऑप्शन को इसमें मिटा के फोर्टी कर लीजिएगा बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर एक साथ बताएं सारे बच्चे बताएं कमेंट करें क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का देखें पच्चीस आ रहा है तीस आ रहा है फोर्टी एट लिख दिए हैं ये भी ला दीजिए इसे क्यों छोड़ रहे हैं <laughs> सारे ऑप्शन है ट्वेंटी फोर भी है ठीक है फोर्टी एट भी है हाँ कुछ काट के लिख देने के बाद ना बच्चों को लगता है कि वही सही होगा उसी को आंसर दे दे इसीलिए लिखते हैं पहले से तो ऑप्शन सही ही था बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर एक साथ कमेंट करें बताएं। चलिए समझ में आ रहे हैं। तो आज की क्लास को लाइक भी करिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं है देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया यानी औसत यहाँ पे चाल ध्यान दीजिएगा औसत स्पीड क्या होगी बताइए औसत चाल बराबर अभी फॉर्मूला आप लोगों को बताए ना औसत चाल औसत चाल बराबर टू एक्स वाई बटाका एक्स प्लस वाई यही फॉर्मूला भी आप लोगों को बताए तो दो गुने बीस गुने तीस बटा का बीस प्लस तीस पचास जीरो से जीरो कैंसिल पाँच चौकों बीस दो चौको आठ तरीके चौबीस क्या हो जाएगा चौबीस किलोमीटर पर आवर कितना घंटा चला है दो घंटे का समय लगा है तो चौबीस गुने दो चौबीस गुने दो मतलब 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर यह आंसर नहीं होगा देखिएगा समझना है यहाँ कह रहा है यदि इस यात्रा में दो घंटे का समय लगा जाने में भी समय और आने में भी समय यानी देखा जाए तो जाने वाला भी दूरी आने वाला भी दूरी दोनों दूरी काउंट है तो एक दूरी मतलब सिर्फ उसमें पूछ रहा है तो उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए तो फोर्टी एट किलोमीटर अगर जाने आने में मान लीजिए आप बाइक लेके गए अपने घर से मामा के घर ठीक है गए और आए सौ किलोमीटर चल दिए तो मामा का घर कितना दूर सौ किलोमीटर बोलेंगे नहीं सौ का आधा कर देंगे बोलेंगे पचास किलोमीटर कितना बोलेंगे पचास ऐसे ही गया है और आया है अड़तालीस किलोमीटर तो दो से भाग करेंगे तो ट्वेंटी फोर किलोमीटर ठीक है आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए क्लियर है हाँ चौबीस किलोमीटर ठीक है बताइए समझ में आया कि नहीं एक साथ कॉमेंट करिए समझ में आ गया है तो यस सर कॉमेंट करिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आसान रहा क्वेश्चन फिर भी आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है अच्छे से समझना है अभी इसका एक और पार्ट आएगा इस ठीक है हाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक पार्ट हम और कराएंगे उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे ये तो बेस आपका मजबूत कर रहे हैं समझ आपकी विकसित कर रहे हैं ताकि आप समझ सके क्वेश्चन कैसे होता है कैसे सॉल्व होता है ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वेरी हाँ, गुड बहुत अच्छे समझ गए चलिए तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दस इसका आंसर आप लोग दे दीजिए बहुत इजी है टेस्ट के तौर पे रखें इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे देंगे हम देखें तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे ठीक है बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे फिर उसके बाद अगले क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे चलिए आ, एक आदमी जो दौड़ने का अभ्यास करता है पहली आधी दूरी चार किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है आ, उसकी औसत चाल क्या है उसकी औसत चाल बोल रहा है बहुत आसान है पहली आधी दूरी शेष आधी दूरी मतलब आधा आधा पूरी दूरी पूरी दूरी का मतलब क्या बराबर दूरी आधा दूरी गया आधा दूरी आया या कह लीजिए आधा दूरी चला फिर आगे आधा दूरी चला मतलब दूरी क्या है समान है तो औसत चाल का फॉर्मूला लगा के आंसर दे लेंगे बस आंसर तो है फोर पॉइंट एट आंसर आ रहा है चलिए वेरी गुड बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं यानी प्रश्न समझ गए हैं समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए देखें हाँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जाएगा आएगा तो ही बराबर होगा आधा दूरी आधा दूरी बोल रहा है तो भी क्या है दूरी समानी है चलिए बताइए आ रहे समझ में समझा दे एकदम आसान है देखिए आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं आधा दूरी चार किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी छह किलोमीटर औसत चाल बात वही बोल रहा है औसत चाल का भी फॉर्मूला बताया ना औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर टू एक्स वाई का एक्स प्लस वाई बस यही फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा देखिए पहली आधी दूरी एक्स की जगह पे क्या है x बराबर फोर और y बराबर क्या है सिक्स रख दीजिए दो गुने देखिएगा जब फॉर्मूला लगाएंगे तो दो गुने चार गुने छ बटाका चार प्लस छह यानी कि दस आ, दो चौक अड़तालीस अड़तालीस पर आवर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बस क्लियर है समझ में आया एकदम आसान है अब यहां पे कंफ्यूज कभी भी ना है इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य यही रहा कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये गया और आया कहा जाएगा तो आएगा ये ऐसा होगा तो ही आंसर देंगे नहीं आधा आधा की बात करें तो भी यही चीज होगा ऐसे ही आंसर देंगे इसलिए इस क्वेश्चन को कराएं ताकि आप सारे बच्चे समझ सके चलिए समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए और फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए आज की क्लास में दस क्वेश्चन कराए हैं क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए फटाफट एक बार कमेंट करके बताएं क्लास अच्छी लगी है सारे स्टूडेंट लाइक कर दे शेयर कर दे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़ जाइए और डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी इसलिए मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए ठीक है हाँ और एक चीज और बता दें देखिए ऐप आप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देखिएगा के लिए फौजी बैच जो हम लोग ला रहे हैं आप लोगों के लिए जो जो लाइव क्लासेस की डिमांड थी आप लोगों की तो लाइव क्लासेस एक नवंबर से स्टार्ट होगी एक नया बैच भी एक नवंबर से स्टार्ट होने वाला है जो नए बच्चे हैं लाइव बैच से जरूर जुड़े या पुराने बैच से जुड़े हैं तो आपके लिए यह बैच क्या होगा फ्री होगा इस बैच से जुड़ने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है पुराने छात्रों के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यह बैच एकदम फ्री है ठीक है पुराने छात्रों के लिए यह बैच एकदम फ्री है और हम आप लोगों को बता दे फी जो होगी नए छात्रों के लिए बाद में डिसाइड होगी चलिए आगे हम आप लोगों को बता दे पुराने छात्र कहने का मतलब है जो इस बैच से जुड़े हुए हैं ठीक है हाँ ये फौजी बैच वही फौजी बैच है जिसने दिया हजारों सिलेक्शन 2022 हजार में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देने के बाद फिर इसको बैच को हम लोग लाए फिर से ठीक है इसमें अब आप लोगों की एक नवंबर से लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और इसमें आपकी सभी क्लासेज एकदम बेसिक से चल रही हैं एक नवंबर से भी जो चलेगी उसमें भी एकदम बेसिक से ही चलेगी जीरो लेवल से चलेगी चैप्टर बाई चैप्टर चलेगी आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फौजी बनना है तो फौजी बैच से जुड़ के अपने सिलेक्शन को 100 परसेंट सुनिश्चित करिए इस बैच की जो फी है बहुत ही कम है मात्र दो सौ अगर आप अभी इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको यह बैच तो मिलेगा ही साथ में आपके लिए लाइव बैच भी फ्री रहने वाला है ठीक है और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं तो इस बैच से लाइव बैच से समझिए अपने आप जुड़ जाएंगे ठीक है हाँ उनके लिए कोई फी देने की जरूरत नहीं है बात करें अगर जुड़ने में समस्या आ रही है तो सेवन जीरो का नंबर है इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी कहीं पे कोई डाउट हो तो बताइए डाउट तो नहीं है ना हाँ सभी एग्जाम के लिए क्लास चल रही है यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच चल ही रहा है दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जुड़िए क्लासेस को कंटिन्यू करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए चलिए आज क्लास बहुत ही अच्छा लगा है सारे बच्चे बोल रहे हैं फटाफट एक बार बताए तो कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को हाँ कोई भी मन में डाउट है प्रश्न है कुछ भी कुछ भी आपको प्रश्न है आपको हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे इसी में कर सर्च करके फॉलो करके जुड़ जाइए चलिए क्लास बहुत ही अच्छा लगा है चलिए क्लास अच्छा लगा है लाइक करिए शेयर करिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए डेली क्लास को ज्वाइन करिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आप लोगों का पढ़ाई में लगे क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे सेलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी इसलिए मेहनत करिए और पढ़िए चलिए तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखेंगे बाकी आपकी क्लास होगी कल आठ बजे कल आठ बजे रीजनिंग की क्लास होगी शानदार और जबरदस्त क्लास होगी सारे बच्चे जरूर जुड़ेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में टॉप तो क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच जो देता है आपको 100 प्रतिशत सिलेक्शन की गारंटी तो देरी किस बात की आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र ₹250 में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध अधिक जानकारी के लिए आप एस मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें